लिस्ट ऑफ टॉप रिचेस्ट मैन इन पाकिस्तान। आप हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, किसी हद तक एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान की अक्सरियत गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि लोगों को बुनियादी सहूलियात तक मुयसर नहीं। खाने को 3 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़े, पीने को साफ पानी, रहने को अपना घर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ये लोग हर वक्त ताक में रहते हैं। उनको उम्मीद है कि कभी कोई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा मसीहा आएगा और उनके दुख दर्द ख़त्म कर देगा। खैर, लेकिन आज हम आपको उन पाकिस्तानियों के बारे में बताएंगे जो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बल्कि खरबों रुपए के मालिक हैं, जिनको खुद नहीं पता कि उनकी दौलत कहाँ किस जगह पर पड़ी है। नंबर 6 पर हैं सदरुद्दीन हाशवानी। इनके पास 1.1 बिलियन यानी 1 खरब 10 अरब के साथ पाकिस्तान के 6वें अमीर तरीन शख्स हैं। सदरुद्दीन हाशवानी 19 फरवरी 1940 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। ये मेरिट होटल्स, पैरल कॉन्टिनेंटल होटल, ओरिएंट पेट्रोलियम के ओनर हैं। इनके और कॉटन सेक्टर में भी इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। अक्सर लोग इनको कॉटन किंग के नाम से भी जानते हैं। इनके ज़रिए आमदन में होटल इंडस्ट्री, रियल इस्टेट, ऑयल गैस शामिल हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1.4 बिलियन यानी 1 खरब 40 अरब के साथ पाकिस्तान के 5वें अमीर तरीन शख्स हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद अपर मिडिल क्लास तबके के ताजर थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कश्मीरी ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पहली बार 1990 से 1993 के दौरान तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। ये पाकिस्तान में कई शुगर मिल्स, स्टील मिल्स और इत्तेफाक ग्रुप के मालिक हैं। इनका मेन ज़रिए आमदन शुगर मिल्स, स्टील मिल्स, इत्तेफाक ग्रुप है। 4थे नंबर पर हैं सर अनवर परवेज़। 1.67 बिलियन यानी 1 खरब 67 अरब के साथ पाकिस्तान के 4थे अमीर तरीन शख्स हैं। सर अनवर परवेज़ मार्च 1935 को पैदा हुए। सर अनवर एक पुअर फैमिली में पैदा हुए। अनवर परवेज़ पाकिस्तानी निसाद बरतानवी शहरी हैं। सर अनवर परवेज़ साहब 21 साल की उम्र में बरतानिया गए और अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े। सर अनवर परवेज़ पेशे से एक बिजनेसमैन हैं और बेस्ट वे जो कि बरतानिया की तीसरी बड़ी फार्मेसी ग्रुप है, जिसकी 800 के लगभग ब्रांचें और इनमें वर्कर्स की तादाद 32,000 से ज़ायद बताई जाती है। इनका ज़रिए इनकम बेस्ट वे ग्रुप, बैंकिंग सेक्टर और अदर बिजनेस हैं। 3रे नंबर पर हैं आसफ अली जरदारी। 1.8 बिलियन 1 खरब 80 अरब के साथ पाकिस्तान के 3रे अमीर तरीन शख्स हैं। आसफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। आसफ अली जरदारी साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो के दामाद और मरहूम साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो के हस्बैंड हैं। आसफ अली जरदारी पेशे से एक पॉलिटिशियन हैं और ख़ुद भी 2008 से 2013 तक सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। इनका आबाई शहर नवाबशाह है। इनका एग्रीकल्चर और रियल इस्टेट का बिजनेस बरतानिया, अमेरिका, मशरक़ वस्ता और दीगर मुल्कों में फैला हुआ है।
दूसरे नंबर पर हैं मियां मोहम्मद मंशा 2.6 बिलियन यानी 2 खरब 60 अरब के साथ पाकिस्तान के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं। मियां मंशा 1947 को लाहौर में पैदा हुए। मियां मंशा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले और पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर होने का एजाज़ हासिल है। मियां मंशा पेशा से एक बिजनेसमैन हैं और निशात ग्रुप और एमसीबी बैंक के सीईओ हैं। ज़रिए आमदन निशात ग्रुप और एमसीबी बैंक। नंबर एक पर हैं शाहद खान जो कि 6.9 बिलियन यानी 6 खरब 90 अरब रुपए के साथ पाकिस्तान में के अमीर तरीन शख्सियात में से एक हैं। शाहद खान जो कि शाहद खान के नाम से भी जाने जाते हैं 18 जुलाई 1950 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। एक पाकिस्तानी अमेरिकन बिलियन शाहद खान एक पाकिस्तानी अमेरिकन बिलियनर हैं। शाहद खान जब अमेरिका पहुंचे तब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और जेब में सिर्फ 50,000 रुपये थे। इनका बिजनेस चाइना मैक्सिको स्पेन ब्राज़ील अमेरिका और कई कंट्रीज तक फैला हुआ है। ज़रा आमदन शाहद खान काफ़ी सारी कामयाब कंपनीज़ के ओनर हैं लेकिन इनके मेन ज़रा आमदन ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और फुटबॉल टीम है।